नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल सनी नाथ पर। स्वागत करता सभी भाई बहनों को। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। अगर आप भी बुलाना चाहते हो परियों को अपने घर में, तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये चीज़ें आपने करनी है। देखो, नेगेटिव और पॉजिटिव विकार हर एक घर में होते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव थिंक, सोच और अच्छी शक्ति और बुरी शक्ति, नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा हमेशा ही हर एक घर में रहती है। आपने सुना होगा परियों की कहानियाँ वगैरह, छोटे होते हैं जब हम इन कहानियों को सुनते हैं तो वही चीज़ जहन में चलती है कि काश हम इनको सिद्ध कर पाते जहाँ हमारे पास होती है। क्योंकि और ये एंट्री कैसे लेते हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊँ। और सबसे पहले निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी भाई मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है उसने मेरे चैनल को सपोर्ट करना। मेरे तीन और चैनल है, गुरु गोरखनाथ, शिव गोरक्षण, 984 से तीनों को सपोर्ट करना। तंत्र मंत्र संबंधी, साधना संबंधित आपने कोई भी सामग्री लेनी है, जैसे कि रुद्राक्ष की माला, सुलेमानी हकीकत पत्थर, नौकरों के रत्न, चाहे वो सफर टक्की माला, कमलगट्टे की माला या किसी प्रकार अन्य और की माला है या कोई यंत्र है, वो आपकी सुविधा के अनुसार ही सिद्ध करके आपको दिया जाता है। जो उसका जनरल प्राइस आपने देना, स्क्रीन के ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर और मेल आ रही है, वहाँ पे आप मैसेज छोड़ सकते हो। जो लोग सीखने के इच्छुक है वो मेरे से मिल ही सकते हैं। और रही बात गुरु दीक्षा की, तो गुरु दीक्षा भाई सोच समझ के विचार करके ही मैं देता हूँ, और उसका भी कोई दिन बार आता उसी दिन देता हूँ। यानी गुरु पूर्णिमा एक बार ही आती है साल में, तो एक बार ही हम देंगे। उसके अलावा मैं गुरु मंत्र किसी को देता ही नहीं हूँ, किसी और दिन कोई भी हो जाए। और अगर आप कोई किसी प्रकार का कार्य करवाना चाहते हो तो उसका जो पेड़ जो उसका जनरल जो प्राइस आएगा वो लगेगा, बिना भोग के किसी चीज़ का कोई उतारा उतारा कुछ होना नहीं है। और आप जो मेरे से प्रोडक्ट लेना चाहते हो, आप कहाँ पे प्रोडक्ट चेक कर सकते हो, आप किसी भी चैनल पे विजिट कर सकते हो, जैसे सन्नी नाथ और 984 सिद्ध, इन दोनों चैनल पे सबसे ज़्यादा वीडियो आते हैं। तो माई प्रोडक्ट प्लेलिस्ट पे आप विजिट कर सकते हो, वहाँ पे प्रोडक्ट देख सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे को भेज देना, उसका आप जो प्राइस है वो आपको बताया जाएगा कि इतने प्राइस की आपको ये पड़ेगी। बाकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो सनी शर्मा नाथपंथ के नाम से, सेम नाम से आप मेरे को फेसबुक पे मेरा पेज है वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो सनी शर्मा नाथपंथ के नाम से ही। बाकी की डिटेल ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। सो अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। अगर आप भी बुलाना चाहते हो परियों को अपने घर में तो ये करना ना भूलें। देखो मैं आपको बता दूँ, जो हमारा घर होता है और घर का जो मुख्य मेन गेट होता है, मुख्य द्वार होता है, वहीं से सारा सिस्टम चलता है। वहीं से नेगेटिव, नकारात्मक और सकारात्मक, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव थिंक, सोच, और वहीं से ही नेगेटिव और पॉजिटिव जो शक्ति है वो एंट्री लेती है आपके घर में। जितने भी तकरीबन घर बनते हैं वास्तु विधान के अनुसार ही बनते हैं, क्योंकि वास्तु जो मुख्य दरबार में, जो जब हम वास्तु दिखाते हैं तो जो मुख्य दरबार रखा जाता है आजकल वास्तु के थ्रू ही रखा जाता है। क्योंकि अगर मेन एंट्री में ही, मेन गेट की एंट्री पर ही वास्तु दोष निकलता है तो जाहिर सी बात है कि नकारात्मक ऊर्जा को निकालना असंभव हो जाता है, घर से वो निकल नहीं पाती है। फिर नकारात्मक ही रहेगी, जैसे कि झगड़ा रहना, दीवारों का गिर जाना, घर में सीलन आ जानी या पपड़ी उतरनी घर की बार बार, या दीवारों में दरारें आनी, आपने नई बिल्डिंग बनाई या नया घर बनाया लेकिन वो टूट रहा है, ये सारे जो है नकारात्मक इफ़ेक्ट्स है, नकारात्मक ऊर्जा है जब आप वास्तु दोष का निवारण नहीं करते हो। अब वास्तु दोष जब आप इसको देखते हुए घर बनाते हो, मेन गेट पर रखते हो, तो अब उसके बाद आपने किन खास नियमों की पालना करनी है। आपने सूर्य अस्त के बाद जो मुख्य द्वार होता है वहाँ पे कभी भी अंधेरा नहीं रखना है, अंधेरा होने नहीं देना। जैसे अंधेरा स्टार्ट होता है आप वहाँ पे बल्ब लगा सकते हो। अब बात आती है बल्ब कौन सा लगाना है, वाइट कलर की लगाओगे तो वाइट चीज़ प्रकट होगी, रेड कलर की लगाओगे तो रेड की, येलो की लगाओगे तो येलो की, वहाँ पे आपने लाइट जला के ही रखनी है। अब घर के बाहर लगी जो बोलते हैं ना कि नेम प्लेट होती है, जहाँ आपने कोई अपना विवरण दिया हो उसको हमेशा साफ़ रखना। वहाँ पे आपने, वहाँ पे भी कोई भी वो बोलते हैं ना कि जो मेन गेट है आपकी एंट्री, उस पर मिट्टी धूल वगैरह नहीं होना चाहिए हमेशा नेगेटिव। और धूप और सुगंधित इत्र वगैरह हो गया या अगरबत्ती आपने ज़रूर वहाँ पे लगानी है, चाहे आप वो बोलते हैं ना कि हफ्ते में एक बार लगाओ या आप डेली के डेली लगाओ। मुख्य द्वार पे वो बोलते हैं ना कि जो कोई भी चीज़ है, जैसे मान लो मुख्य द्वार है, उसके ऊपर किसी चीज़ की परछाई नहीं आनी चाहिए। जैसे कोई पेड़ ऐसा ना लगाओ कि वो छांव उसके ऊपर आए। और पेड़ भी जो लगाना है दरबार के सामने, वो भी देख के सोच समझ के लगाना है, वास्तु के अकॉर्डिंगली कौन सा लगना है। और बिजली का खंभा वगैरह या कोई इत्यादि ऐसा वाहन नहीं खड़ा करना जिसकी जब सूर्य अस्त होगा तो उसकी जो परछाई है वो आपके घर के बाहर आए। ये भी चीज़ जो है कहीं ना कहीं नेगेटिव ऊर्जा का कारण बनती है। घर में रखे जाने वाले व्हीकल,
जो भी है, जैसे स्कूटर हो गए, मोटरसाइकिल हो गए, गाड़ी होगी, हम लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल मुख्य द्वार के बिल्कुल आगे लगा जाते हैं, उसको आगे कभी नहीं लगाना, क्योंकि जब आप गाड़ी वाहन कोई भी कुछ लगा जाते हो, चाहे वो सकारात्मक है चाहे वो नकारात्मक है, अब नकारात्मक ने तो बंदे के साथ लग के भी घुस जाना है, आपके घर में एंट्री ले लेगा, लेकिन नकारात्मक ऊर्जा तब तक नहीं, सकारात्मक ऊर्जा तब तक नहीं घुस पाएगी जब तक आपने वो रास्ता साफ नहीं रखा होगा। मुख्य दरवाज़ा जो आपका होता मेन गेट, वो हमेशा अंदर की ओर खोलना, बाहर की ओर नहीं खोलना, क्योंकि बाहर की ओर अगर कोई खड़ा होगा तो उसको धक्का लगता है, वो बाहर ही रह जाता है, लेकिन अंदर खोलते हो तो आप प्रवेश द्वार पे ही अपने कुल देवता, इष्ट देवता, कुल देवी से यही प्रार्थना करें कि सकारात्मक ऊर्जा का जो बोलते ना कि प्रवाहन, जो उसका आवाहन हम करते हैं जब पूजा आरती हम करते हैं, उसका फल हमें मिले और आप हमारे घर में घूम के जाओ। मेन गेट के सामने सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए, और मुख्य द्वार के जो झालर, जो आप झालर लगाते हैं या किसी चीज़ से सजाना या किसी चीज़ से लुका देना, ये इससे भी नेगेटिव जो नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं होता है। जैसे कि इसमें भी आपको बताया गया, जैसे कोई चीज़ बांध देते हैं, जैसे नींबू वगैरह लटका देते हैं, उस चीज़ का भी हम जैसे शनिवार के शनिवार नींबू और मिर्ची टांग देते हैं, इन चीज़ों का भी नकारात्मक ऊर्जा के साथ बोलते हैं कि एक तरह का विवादन होता है कि वो चीज़ अंदर घुसने नहीं देते। सो आशा करते हैं मेरे दर्जी जानकारी स्पष्ट और अच्छी लगे तो चैनल को सपोर्ट करना।